श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र आज आपके लिए एक और नई प्यारी सी कथा लेके आया हूँ। किसी ने मेरे नंबर पर भेजी थी, बड़ी अच्छी मुझे लगी। एक बार की बात है, एक ब्रज के संत होते हैं जो हमेशा ब्रज में रहते हैं और करते हैं श्री राधे श्री राधे संकीर्तन करते हैं, राधे कृष्णा और राधे कृष्णा उनके मन में रम गया। एक बार उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अयोध्या जाऊं। अयोध्या गए, अयोध्या में जाके उन्होंने फिर से कहा राधे कृष्ण। अब अयोध्या में तो भगवान श्री राम के चाहने वाले हैं। एक अयोध्या का साधु ब्रज के साधु से टकरा गया। ब्रज के साधु को बोला, अरे क्या तू ये राधे कृष्ण कृष्ण करता है? ये कृष्ण तो टेढ़ा है, आह छोड़ तू कृष्ण को, राम की शरण में आ जा, राम से प्रेम कर। उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे इष्ट देव को श्री कृष्ण को टेढ़ा कहा। क्रोध करने लगा। अब राम वाले जो साधु थे उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्या गलत कहा मैंने, तेरा कृष्ण टेढ़ा ही तो है, उसका नाम लेके देख, कृष्ण बोलने में भी नहीं आता, यशोदा मैया से भी नाम नहीं लिया जाता था, और राम राम कितना सरल नाम है, और तो और इसका धाम भी तो टेढ़ा है, वृंदावन धाम, और क्या बताऊं तेरे को, तो सुन इसे तो सीधा खड़ा होना भी नहीं आता, ये तो टेढ़ा ही खड़ा होता है, कभी सीधा देखा नहीं किसी ने आज तक, इसका नाम टेढ़ा और तो और इसकी लीला भी टेढ़ी है, कभी मक्खन चुराता है, कभी गोपियों के वस्त्र चुराता है, तो कितना टेढ़ा है तेरा कृष्ण। जब उस ब्रज के साधु को इतना कहा तो उसके मन में बात लगी, हाँ कहीं ना कहीं बात तो ठीक है। उस साधु से कुछ नहीं बोले, चुपचाप अयोध्या से ब्रज में आए हैं और जाके बांके बिहारी के मंदिर के सामने गए और बांके बिहारी जी को कहते हैं, अरे ओ टेढ़े, तूने तो आज खूब लाज रखी, बेइज्जती करा दी। कन्हैया बोले कि क्या बात है संत जी, इतना गुस्सा कर रहे हो? बोला मैं ठीक गुस्सा कर रहा हूँ, अब देख, अब मैं तेरे को छोड़ के मैं तो चला अयोध्या धाम, वह राम की शरण में जाऊँगा, राम बड़े सीधे हैं, नाम भी सीधा है और वहाँ के साधु भी। अब कृष्ण ने कहा, भाई क्या बात है, तेरे को किसी ने बहला फुसला दिया है, तो क्यों गुस्सा करता है? बोले नहीं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। अब कहते हैं कि वो साधु वहाँ से चला, जब जाने लगा तो कृष्ण उसके सामने आ गए और उसका हाथ पकड़ लेते, कह रहे हो संत जी क्या मेरे को टेढ़ा टेढ़ा लगा रखा है, तू प्रेम तो देख, मैं तेरे से कितना प्रेम करता हूँ। बोले नहीं, मैं तो चला राम जी की शरण में, आप रहो। अब देखिए, जब वो जाने लगे तो रास्ते में कुआ था, कुएं पे एक बाल्टी रखी थी, श्री कृष्ण ने वो बाल्टी गिरा दी। अब जब बाल्टी गिरी, साधु को प्यास लगी थी तो बाल्टी निकालने के लिए कुछ चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भैया साधु तू जा अयोध्या, लेकिन भूखा प्यासा थोड़ी जाएगा, पानी तो पी के जा, जल तो ग्रहण करेगा, चल बाल्टी को निकालते हैं, कुछ लेके आ। तो वो साधु एक सरिया लेके आया, सरिया श्री कृष्ण को दिया, श्री कृष्ण सरिया डालते हैं पानी में, लेकिन वो बाल्टी निकले कैसे, क्योंकि सीधा सरिया है। तब उस ब्रज के संत ने कहा, अरे ओ कन्हैया, तेरे को इतना भी नहीं मालूम, सीधे सरिये से कोई बाल्टी बाहर निकलेगी तो सरिये को मोड़ ले। अब श्री कृष्ण ने ये बात कही, अच्छा क्या सरिया मोड़ने से बाल्टी निकल जाएगी? उसने कहा हाँ, सरिये को मोड़ा और मोड़ करके बाल्टी निकल गई। साधु ने पानी पिया, श्री कृष्ण ने पिलाया। अब कृष्ण बोले कि भैया सीधे सरिये से तो तू बाल्टी तक नहीं निकाल पाया, तू देख, तो सीधा होके मैं क्या करूँगा, जब सारे काम टेढ़े होने से बन जाते हैं तो सीधा होने की क्या ज़रूरत, राम जी अच्छे हैं, बड़े सीधे हैं, लेकिन मैं भी तो राम ही हूँ।
सीधों के लिए राम है लेकिन टेढ़ों के लिए मैं कृष्ण हूँ, जिसको जैसा भाव पसंद आए उसके लिए मैं हूँ। तो भैया मैं कोई टेढ़ा नहीं हूँ, टेढ़ा मैं सिर्फ आप लोगों के लिए हुआ हूँ, वरना मुझे सीधा होने में कितनी देर लगेगी, मैं ही तो राम हूँ और मैं ही तो कृष्ण हूँ। इस तरह से बड़ी ही प्यारी मीठी लीला उन संत की और भगवान श्री कृष्ण की हुई है। अब तो वो साधु रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए और कहते हैं कि कन्हैया भाई मेरे को माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप ही राम हैं और आपकी ही ये लीला है। तो ये कथा बड़ी प्यारी लगी, पढ़ने सुनने को मिली, आनंद आया, मैं आपके लिए लेके आया। अब आप खोजने जाओगे कौन सी किताब में है, किन संत ने कही है, तो सच बताऊँ मुझे जानकारी नहीं है। कहीं से पढ़ने सुनने को मिल जाती हैं और श्री कृष्ण की लीला कृष्ण की तरह अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपको जहाँ से भी रस भरी कथा मिले आप सुनते रहना, क्योंकि कथा अमृत है। ये कथा मैं आपके लिए लेके आया, आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम, आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।